G20 के सफल आयोजन के बाद विदेशी मेहमान अपने अपने देश वापस लौट गए हैं, लेकिन वो किन यादों के साथ अपने देश गए हैं उसकी एक झलक आज आप न्यूज 24 पर देखेंगे। चूंकि प्रगति मैदान के भारत मंडपम में एक एग्जीबिशन हॉल था जिसे नाम दिया गया था मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि इन इंटरैक्टिव पैनल्स के जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से भारत जो है वो लोकतंत्र की जर्नी है। इस तरह के इस हॉल में लगभग 26 इंटरैक्टिव पैनल्स जो हैं वो लगाए गए थे जो पूरी तरह से टच स्क्रीन है। यहाँ पर एक भाषा बटन दिया गया था जिसको टच करने पे 16 भाषाओं में इस इंटरैक्टिव पैनल की जो बातें हैं वो कोई भी विदेशी मेहमान बहुत आराम से समझ सकता है, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, तमाम जो 16 भाषाएं हैं जिसके राष्ट्र प्रमुख जो हैं वो यहाँ पर ठहरे थे, यहाँ रुके थे। और ये भी बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, साथ ही साथ कनाडा के प्रधानमंत्री ने बेहद दिलचस्पी दिखाई और ये जानने की कोशिश की कि भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास कितना पुराना है। अगर हम देखेंगे कि एक उदार सम्राट, इसका एक इंटरैक्टिव पैनल लगाया गया है। साथ ही साथ एक इंटरैक्टिव पैनल इसका लगाया गया था कि किस तरीके से जो भारत में चुनाव है वो किस निष्पक्षता से होते हैं। अगर हम एक एक वोट को देखें तो सियाचिन की बात करें, वहां पर भी चुनाव आयोग पूरी मेहनत से अपने जो बैलेट है वो लगाता है और एक एक वोट बेहद कीमती है। इसको अगर हम इंटरैक्टिव पैनल को देखें तो देखिए 1100 से 1500 वर्तमान युग पहले किस तरीके से जो समानता की भावना का प्रसार था वो किया जाता था, जिस तरीके से कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि एक परिवार, एक धर्म और एक भविष्य। इस इंटरैक्टिव पैनल के जरिए वो तमाम जो छाप है वो छोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं भारत ने विदेशी मेहमानों की स्मृति पर की है। साथ ही साथ ये जो डांसिंग गर्ल है ये लगभग 7000 साल सिंधु सरस्वती सभ्यता की याद दिलाती है। लगभग 10.5 सेंटीमीटर की इसकी ऊंचाई है और ये पूरी तरीके से जो कांस्य है उससे बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार राम सुतार ने इसे तैयार किया है और नृत्य करती कन्या, इसके पीछे उद्देश्य ये भी है कि किस तरीके से 7000 साल पहले भी भारत में महिलाओं की आजादी को मूर्तिकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। यानी आज हम भारत की आजादी या फिर महिलाओं की आजादी की बात करते हैं, लेकिन उस समय भी महिलाओं की आजादी को मूर्तिकारों द्वारा, उनके भावों द्वारा कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता था। ये जो इंटरैक्टिव पैनल्स हैं यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, साथ ही साथ कनाडा के प्रधानमंत्री ने बेहद दिलचस्पी दिखाई, वो इस हॉल में आए और इन्होंने इन इंटरैक्टिव पैनल्स का लुत्फ उठाया। यानी पूरी तरीके से ये भारत ने कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यानी विदेशी मेहमानों की स्मृति में भारतीय संस्कृति, कला और इतिहास की एक खूबसूरत छाप छोड़ी जाए और कहीं ना कहीं भारत उसमें सफल होता भी नजर आ रहा है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज 24।